नामधारी कॉलेज में 150 रुपए वसूली मामले में डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा, मुझ पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप हैं। गढ़वा से संवाददाता मुजम्मिल अंसारी की रिपोर्ट। नामधारी महाविद्यालय अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 के इंटरनल परीक्षा में डॉक्टर वीरेंद्र यादव द्वारा छात्रों से 150 रुपया प्रति छात्र सेमिनार के नाम पर अवैध वसूली के मामले में डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा, मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह दरअसल बेबुनियाद है, निराधार है। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैंने किसी भी विद्यार्थी से पैसा नहीं लिया। उन्होंने बताया कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा या कारनामे को अंजाम दिया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि मैं जब क्लास रूम में एम सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी से असाइनमेंट की कॉपी ले रहा था तो शशांक चौबे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मेरे साथ धक्का मुक्की किया और मुझे मारने की धमकी दी गई। और शशांक चौबे के द्वारा मुझे कहा गया कि आप पैसा लेते हैं। सभी विद्यार्थी से पूछा गया पैसा लेने के बारे में तो कोई भी विद्यार्थी नहीं कहा कि मेरे द्वारा पैसा लिया गया। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं बोला कि पैसा नहीं देने पर फेल कर देंगे। सभी विद्यार्थी मेरे बच्चे समान हैं और एक गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे फेल हो जाए। मैंने कभी भी पैसा विद्यार्थी से नहीं मांगा है। और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिसका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं, उनके द्वारा भी मुझे धक्का मुक्की दी गई है। और उन्होंने कहा कि शशांक चौबे 10 साल से इसी कॉलेज का स्टूडेंट है पर अब तक BA पार्ट ए का ही स्टूडेंट है, वह पास नहीं कर पाया है और वह बोलता है कि हम NCC का स्टूडेंट हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि वह रोज कॉलेज में 10 बजे आता है और 5 बजे तक रहता है। सेकेंड सेमेस्टर छात्रों MA सेकेंड सेमेस्टर छात्रों से असाइनमेंट कॉपी में कमरा में ले रहा था। इस बीच में जाके तथाकथित लोग शशांक चौबे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और हमको धक्का मुक्की किया, मारने की धमकी दिया कि आप पैसा लेते हैं। सभी छात्र से पूछा गया, छात्र ने किसी ने नहीं कहा कि सर पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग सेमिनार अपने से करते हैं और उसका जो खर्च होता है हमें वो होता है। सर हमारे से होता है हाँ, और जो पैसा इतना पैसा क्या लेता नहीं लेता, छात्र अपने चिंता कर अपने ही दुकान पर हमारी कहीं को चिंता नहीं, और ना हम पैसा लेते हैं न पैसा लेने के लिए। विद्यार्थी सेमिनार ऐसा कॉपी लिखना ये सब विद्यार्थियों का अपना काम है। नए वर्ष के बच्चों को वेलकम करना और पुराने वर्ष के बच्चों को विदाई फेयरवेल देना, ये PG में MA समाजशास्त्र या MA के सभी छात्र सही भाग में यह काम किया जाता है। और कुछ तथाकथित लोग शशांक चौबे आज 10 साल से महाविद्यालय में NCC का ही विद्यार्थी है, अभी तक BA पार्ट 1 का ही था और अभी तक वो BA पास नहीं किया है और NCC का ही नाम पर अपने को स्थापित करता है कि हम NCC के छात्र हैं। 10 साल हो गया उनको और डेली कॉलेज में आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर वो शाम तक रहेगा 6 बजे तक, उसका ही काम है। अरे टीचर है पैसा दीजिए, पैसा जाके दीजिए, पैसा वापस करेंगे। हम लिए ही नहीं मेरा विद्यार्थी कैसे कह लिया नहीं लिए करना फेयरवेल दो वेलकम को सर पैसा के लिए सर विद्यार्थी अपने तो से करता है अरे विद्यार्थी का लग गया नहीं सवाल नहीं अरे हम पैसा के लिए सर सब सब विद्यार्थी बोला कि सब उसी हमरा कुछ नहीं हमारे पास कुछ विद्यार्थी जमा विद्यार्थी उसी को बुलाइए हां बोला कह बोला कि सब अपना ले लेंगे विद्यार्थी का बयान है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं जगह पैसा से सवाल एग्जाम अटेंडेंस देखे सब का हम देखे कर रिया जो विद्यार्थी लिया बयान सब का बयान है कट के बाकी सब हमने वापस कर दिया खत्म हो गया मामला कि तक अब तक बिलिया में देख करो अब तू लोग पास देख रहा सोसोजी में तो देखो बैठ गया आइंदा ऐसा नहीं होगा क्लास में
आप यहाँ पूछते हैं तो आज हाला करवा रहा है। हाला तो तू करवा रही है, तो हमने बिलासी करा रहा है हाला। नहीं आप परफेक्ट हुई है जो हमारे पास मारने के लिए आया था।